नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं स्वेटर लेकर आई हूँ, ऊपर पूरा राउंड में बनाना है। पहले ही मैंने ऐसे स्वेटर बनाए हुए हैं, पर इसमें एक फ़र्क ये करना है कि हमने इसमें कॉलर और एक जेब लगानी सिखाऊंगी आपको। ये देखो, पहले मैंने सारे साइडा बना ली हैं। ये देखो आगे वाला हिस्सा, ये बाजू, फिर पीछे वाला, फिर बाजू और फिर आगे वाला हिस्सा। इतना मैंने बनाकर, फिर कट्ठा मैंने इतना बनाकर एक बार मैंने फंदे कटाए भी इतों। हूँ दूसरी बारी मैं इतों कटाने जा रही हूँ। इतना बनाकर फिर इतना मैंने और बना लिया। और इसके बाद इसे, हाँ, ये मैंने 30 फंदे मैंने आगे रखे हैं और 8 फंदे बटन पट्टी के, और 36 फंदे मैंने बाजू के बनाए हैं। ऊपर जाके मैंने 55 फंदे किए। मैंने ये पीछे वाला हिस्सा है, इसके मैंने 64 फंदे डाले हैं। 64 फंदे डाल के मैंने पूरा बनाया है। ये देखो, ऐसे मैंने पूरा बनाकर, इतना बनाकर, यहाँ बटन होल भी मैंने साथ साथ में ही किए हैं। ये देखो, अब क्या करना है, ये बटन पट्टी बुन लेनी। ये देखो, यहाँ 2 का 1 कर देना, एक फंदा सीधा बुन लेना, फिर 2 का 1, फिर एक सीधा, फिर 2 का 1, एक सीधा। ऐसे मैंने पहले भी ऐसे एक ऐसे किया है। देखो, इसमें एक सीधी सिलाई मैंने पूरी चढ़ाई है, दोनों तरफ से सीधी सीधी कर ली। जहाँ फंदे मैंने ऐसे ही कटाए हैं, अब दूसरी बार ऐसे ही कटाने जा रही हूँ। 2 का 1 करते जाना और एक सीधा बुनते जाना, फिर 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, एक सीधा। ऐसे पूरे आपने खत्म करना है। 2 बार ऐसे हमने एक बारी कर लिया, दूसरी बारी करने जा रही हूँ। इसमें एक्स्ट्रा हम कॉलर बनाना बनाएंगे और एक हम पॉकेट लगानी सिखाऊंगी आपको। ऐसे मेरे चैनल में ऐसे मैंने 2-3 स्वेटर बनाए हैं, सब में बखरे बखरे डिज़ाइन ही डाले मैंने। ऊपर पूरा राउंड में बनाते हैं, बच्चों के डाला बहुत सुंदर लगता है। 2 का 1 और एक सीधा बुनना, 2 का 1 और एक सीधा, 2 का 1 और एक सीधा। ये बटन पट्टी आ गई हमारी, दोनों तरफ से हमने धागा ये बार लगाया, क्योंकि बटन पट्टियाँ हमने एक कलर की दोनों बनाई हैं। उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई बनाएंगे।
ये बटन पट्टी के हमने सीधे सीधी बनाई है। ये पूरी हम सीधी सिलाई चढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर इसी कलर का सीधा उल्टा बुन के थोड़ा इतना सा और बनाकर फिर हम फंदे आपको देख लें कितने चाहिए उतने रख के फिर हम बटन पट ओ कॉलर बनाएंगे। इतना थोड़ा सा और बना के आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने एक दो और तीन बारी इसके फंदे कटाए हैं। ये मैंने बटन होल बनाया यहाँ। अब हमने इसके ऊपर कॉलर बनाएंगे। ये मेरे फंदे बटन पट्टी के छोड़ के 70 फंदे हो गए ये वाले। अब बटन पट्टी के फंदे हम बंद कर देंगे। ये 8 फंदे हम बंद कर देंगे बटन पट्टी के सिर्फ। बाकी हम सीधे बुन लेंगे। ये मैंने 3 बारे फंदे कटाए हैं, 1, 2 और 3। पूरी सिलाई सीधी करके इधर वाले भी हम जो 8 फंदे हैं बंद कर देंगे पटन पट्टी के। पहले पूरे सीधे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में हम बंद कर देंगे। ओह सॉरी, एक दो तीन चार पांच छ सात और 8 फंदे। पूरी सिलाई हम सीधी चढ़ा लेंगे। ये देखो, अब हमने क्या करना है, चार फंदे हम ऐसे बनाकर ये हम बॉर्डर बनाएंगे 4 फंदों का। ये हमने सीधे सीधे ही बुनने हैं, बाकी सीधा उल्टा बुनेंगे। ये 4 फंदे हमने रख के धागा आगे करके एक जाली डाल लेंगे। बाकी सिलाई सारी सीधी, दोनों तरफ से एक एक फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। 4 फंदे हमने सीधे बुनने दोनों तरफ से।
बाकी सारे सीधे उल्टी सिलाई। इधर भी हम चार फंदे, तो पहला एक जाली डालेंगे। ये चार फंदे हमारे जाली डाल के, ये चार फंदों का हमारा बॉर्डर बनेगा। उल्टी सिलाई, चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा आगे करके बाकी उल्टे। दोनों तरफ से हमने चार चार फंदे सीधे सीधे बुनने, बाकी सारा सीधा उल्टा। हर सिलाई में हमने फंदा बढ़ाते जाना दोनों तरफ से। धागा पीछे करके ये चार फंदे हमने सीधे बुन लेने। सीधी सिलाई, ये चार फंदे तो हमारे सीधे ही। धागा आगे करके फिर जाली, ऐसे ये फंदे बढ़ रहे हैं हमारे, बाकी सीधा उल्टा बुन लेना। जो दोनों तरफ से चार चार फंदे हमारे सीधे सीधे जाएंगे, और दोनों तरफ से हमने जाली डालनी है। इधर भी डालती और लास्ट में इधर भी डालनी। ऐसे थोड़ा सा बना लो, फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखो, ये मैंने बना लिया। आपने ये ध्यान रखना, जो उल्टी तरफ से सीधा आना चाहिए और सीधी तरफ से उल्टा। जो मैंने देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जाली डाली मैंने। ग्यारह जाली डाल के मैंने बना ली। ऊपर मैंने फिर सीधी सीधी बिना जाली से छः सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी की बुन लीजिए। देखो, अब हम इसे बंद कर देंगे। सिंपल जैसे हम बंद करते हैं, बहुत सिंपल है। ऐसे ऐसे आप पूरा बंद कर लो। उल्टी तरफ से आपने सीधा बुनना। जैसे उल्टा है और सीधा इधर आएगा, और इधर सीधा है इधर उल्टा आएगा, क्योंकि ऐसे उल्टा देना ना हमने कॉलर। ऐसे पूरा बंद करके
मैं आपको दिखाती हूँ फिर, ऐसे पूरा बंद कर लो। आप चाहे तो ज़्यादा जाली भी डाल सकते हो, बड़ा कलर बनाना। मैं बच्चे का बनाया है इसलिए छोटी जाली डाली है, आप 15 तक भी डाल सकते हो। ऐसे पूरा बंद कर लो जी। देखो ये कलर बन के हमारा तैयार हो गया। यहाँ बटन लगा लेंगे, ये बाजू हम स्टिचिंग कर लेंगे, इसके ये वाला हिस्सा भी पीछे वाला के साथ जोड़ लेंगे। ऐसे आप पूरी स्टिचिंग आप करके हम बनाएंगे आप पॉकेट। ये देखो मैंने पॉकेट बनाई है, ये देखो डिज़ाइनर पॉकेट, ये हम ऐसे जहाँ लगाएंगे। इसके ऊपर हम कोई चाहे बटन भी लगा सकते हैं ऐसे। ये आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 36 फंदे डाले हैं। 36 फंदे डाल के मैंने एक तरफ से एक सिलाई मैंने सीधी चढ़ा ली है, ये दूसरी सिलाई सीधी हम चढ़ा रही हैं। नीचे मैंने एक ही सीधी सीधी सिलाई चढ़ाई है दो, उसके बाद मैंने सीधा उल्टा बुना है। इतना सा मैंने सीधा उल्टा बुन के फिर ऊपर यह डिज़ाइन डाला है। अब थोड़ा सा सीधा उल्टा बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। आप ऐसे सीधा उल्टा पल्ला बुन लो, सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा, थोड़ा सा आप बना लो फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ ये कैसे बनाना है और कैसे लगानी है वो भी दिखाती हूँ। फिर इतना बना के ऐसे इतना बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये देखो ये मैंने 16 सिलाइयाँ मैंने चढ़ा ली हैं। एक मैंने सीधी सी एक सीधी दोनों तरफ से बनाई सी, बाकी सीधी उल्टी के मैंने 16 चढ़ाई। चढ़ाने के बाद अब क्या करना, अब मैंने दूसरा कलर लगाने जा रही हूँ ये वाला। एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, जैसे जाली डालते हैं ना धागा अपनी तरफ करके ऐसे। हर सलक फंदे में धागा आगे करके अपनी तरफ जाली ऐसे डालते हैं, ऐसे बुनना पूरे फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं। पूरे फंदे ऐसे ही बुन लो, धागा आगे फिर फंदा बुनना, जैसे जाली बनाते हैं हम हर फंदा आगे करके। धागा आगे फिर धागा आगे, उल्टी सिलाई में। अब हमें इस क्रोशे की जरूरत पड़ेगी। ये देखो जो फंदा हमने वल दिया था उसको उतार देना, जो वल दिया था उसको हमने नीचे गिरा देना ऐसे। ये देखो सारे करा लिए,
या पूरे फंदे हमारे इस सिलाई में आ गए। अब हमने क्या करना, ये धागा आगे ले जाके इससे सब फंदे हम निकाल लेंगे। जी फंदे धागे से कपूर टाइट कर देंगे, ये देखो ऐसा बन जाएगा। ये देखो आप कैसे लगानी है, ये देखो ये देखो मैंने अटैच की है। इसको पहले हम पिन अप कर लेंगे क्योंकि हिले ना, इतना छोड़ देना ऊपर से जहां से शुरू करनी है हमने लगाने, क्योंकि बच्चे का ये तो फैशन की है। ये देखो यहां से बड़ी बनानी हो तो आपने ज्यादा फंदे डाल लेने पॉकेट। ऐसे पूरे राउंड में हमने ऐसे स्टिचिंग कर देने, ऐसे पिन अप करने के लिए, इसलिए क्योंकि आराम से लग जाएगी फिर। ये देखो ऐसी पूरी स्टिचिंग हो जाएगी यहां तक हमने करनी है। ऐसे दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, जहाँ को बटन भी लगा सकते हैं, फैंसी बटन जो अपने यहाँ बटन लगाएंगे, एक बटन यहाँ भी लगा देंगे। ये आपको अच्छी तरह मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये मैंने स्टिचिंग भी कर ली पूरी, ये देखो थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।